लोकसभा चुनाव 2019 में पांचवें चरण के मतदान में आज प्रचार के अंतिम दिन पीएम मोदी ने प्रतापगढ़ का रुख किया। यहां से उनके लक्ष्य पर प्रतापगढ़ से सटे सुल्तानपुर और अमेठी लोकसभा क्षेत्र भी हैं। प्रतापगढ़ के जीआईसी ग्राउंड में पीएम मोदी ने सभी उम्मीदवारों का अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि चार चरण में मतदान में यूपी की जनता ने तय कर दिया कि नतीजे क्या आने वाले हैं। यूपी की जनता का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी का जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। आपका ये प्यार या आशीर्वाद मुझे गदगद कर देता है और मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। सपा ने बहन जी को ऐसा धोखा दिया जो उन्हें समझ में नहीं आ रहा। प्रतापगढ़ के जीआईसी के ग्राउंड में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के आगमन से पहले ही मंच संभाल लिया था। उनके साथ मंच पर पीलीभीत से सांसद सुल्तानपुर की उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी और प्रतापगढ़ से उम्मीदवार विधायक संगम लाल गुप्ता भी मौजूद रहे। पीएम मोदी का चुनावी दौरा और आज यूपी के जनता को धन्यवाद किया और ये भी कहा कि चार चरणों के मतदान में यूपी की जनता ने नतीजों को अभी से तय कर दिया है और भाजपा के उम्मीदवार के पक्ष में जनता से वोट की अपील की। पीएम के पहुंचने से पहले मंच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाला हुआ था। प्रतापगढ़ में पीएम मोदी ने एक रैली को संबोधित किया और कहा कि चार चरण के मतदान में यूपी की जनता ने नतीजों को तय कर दिया।